हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हम सालासर टेक्नो इंजीनियर्स कंपनी के शेयर के बारे में कि आपको इसमें क्या भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना सही है नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कम प्राइजेस की। अगर दोस्तों आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। फिलहाल मार्केट 24.40 के आसपास की प्राइस चल रही है मार्केट में, लेकिन स्टॉक अपने 31-32 रुपीज़ के आसपास से हाई से स्टॉक काफ़ी डाउन हो गया है। मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट आपको शेयर में देखने को मिल चुकी है, लेकिन गिरावट से आपको काफ़ी मन में क्वेश्चन उठ है कि क्या करें, क्योंकि दोस्तों काफी लोगों का ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि 25 रुपए 26 रुपए के बीच का इन्वेस्टमेंट है। देखो दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने सोच रहे हो तो बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टाइम में आपको काफी बड़ा टारगेट इसका देखने को मिलने वाला है। आने वाले एक साल की बात करूँगा मैं तो आपको एक साल में इजिली कम से कम ये शेयर 50 से 80 रुपए के बीच की आपको प्राइस इसलिए दे सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप तो शॉर्ट टाइम में कम से कम 30 रुपए की प्राइस आपको शेयर दे सकता है। लेकिन आप मुझे एक क्वेश्चन आया कि कब तक ये प्राइस जाएगी, कब तक टारगेट हिट होगा। देखो अगर कल की बात करूँ मैं तो कल अगर अच्छा करेगा मार्केट में शेयर तो हो सकता है कि आपको 226 रुपीज़ की प्राइस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर दोस्तों इसमें हो सकता है कि डाउन से ट्रेंड करता है तो कल स्टॉक 22 रुपीज़ या 21 रुपीज़ के आसपास की प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। करेक्शन के बाद दोस्तों इसमें तेजी आपको देखने को 100% मिलने वाली है, लेकिन क्योंकि दोस्तों अगर 31 के आसपास शेयर जाके आया है फिर करेक्शन आया है शेयर में, और करेक्शन के बाद दोस्तों मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपको शेयर दोस्तों आप साइड ट्रेड करते हुए देखने को मिलने वाला है। अगर मन में कोई क्वेश्चन है आपका बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो।